चले इंप्रूवमेंट क्लासेस। आज मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान क्लास 12 में क्या होता है जब, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों एवं उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन होता है। और रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आदि ये सप्तम वर्ग के तत्व माने जाते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन वर्ग का तत्व कहा जाता है। ये तत्व ऋण विद्युत तत्व होते हैं। इनके अंतिम कोष में अधिकतर 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और शून्य वर्ग के तत्व है, शून्य वर्ग के तत्व में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान, रेडान आदि तत्व आते हैं, जिनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरा होता है, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैस तत्व कहते हैं। ये तत्व किसी से क्रिया नहीं करते हैं क्योंकि इनका जो संयोजकता होती है वो शून्य होती है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना तो देते हैं, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैस तत्व कहा जाता है। और रासायनिक पदार्थों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। क्या होता है जब, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल, इसका सूत्र होता है C2H5OH एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस मतलब पी, फास्फोरस को पी से दिखाया जाता है, एवं ब्रोमीन Br की क्रिया होती है। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस और ब्रोमीन से कराया जाता है तो क्या बनता है, क्या होता है? इसका आंसर है लाल फास्फोरस पहले ब्रोमीन से क्रिया करके क्या बनाएगा, PBr3 या PBr5, जो C2H5 से क्रिया करके C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, C2H5 एथिल का सूत्र होता है, एथिल का सूत्र है C2H5 और मेथिल का सूत्र है CH3। तो एथिल और मेथिल ये सभी एल्किल समूह माने जाते हैं। ये सबसे पहले क्रिया करेगा ब्रोमीन से, तो फास्फोरस और ब्रोमीन आपस में पहले क्रिया करेंगे। P4+6Br2 ये दोनों क्रिया करेंगे, बनेगा क्या, 4PBr3। यहां पर फास्फोरस चार बार है तो 4P, यहां फास्फोरस चार बार हो गया, 6×12, यहां पर ब्रोमीन 12 बार है तो 4×12, यहां पर दोनों तत्व आपस में समान है, इसकी अणु की मात्रा समान है। फिर फास्फोरस क्रिया कराएंगे ब्रोमीन से 10Br2 तो बनेगा 4PBr5। अब हम इसकी पुनः क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ये हाइड्रॉक्सी समूह में आता है। तो 3C2H5OH प्लस PBr3 और बनेगा क्या, 3C2H5Br, यह एथिल ब्रोमाइड प्लस H3PO3, उसके बाद ये 3PO3 बनता है। फिर दोबारा क्रिया कराएंगे हम C2H5OH प्लस PBr5 से तो बनेगा C2H5Br एथिल ब्रोमाइड और क्या बनेगा, PO Br3 और HBr, ये तीन तत्व बनते हैं। सेकंड नंबर है हमारा 673 केल्विन पर रक्त तप एलुमिना एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, एथिलीन गैस बनती है। इसे अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगी, एथिलीन गैस। C2H5OH एरो रक्त तप Al2O3 एलुमिना है,
673 केल्विन तापमान रहेगा, बनेगा क्या? CpH4 यह एथिलीन, C2H4 एथिलीन का सूत्र है और C2H2 एसिटिलीन का सूत्र होता है, CH4 मेथेन का सूत्र होता है और C2H6 एथेन का सूत्र होता है, बनेगा C2H4 एथिलीन और जल बनता है H2O। स्टूडेंट्स मैं एक बार पुनः से रिवीजन कर दे रहा हूं, एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसके सामान्य सूत्र है तो इन्हीं पर हम n का मान होता है 1, 2, 3, 4 तो रख करके हम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो आप सब्सक्राइब करें जिससे कि आप लोगों तक नया नया वीडियो पहुंचता रहे और हमारे इस चैनल इंप्रूवर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर SSC बैंक रेलवे क्लास 1 से लेकर के BA BSc MSc सभी तक के सिलेबस पढ़ा करके भेजे जा रहे हैं सरलतम ढंग से, आप इससे अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स।